ऑफ साइंस की सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम्स आने में कुछ ही महीने बाकी हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे और उन पढ़े हुए चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर रहे होंगे। इन सब में आपकी जो सबसे ज्यादा मदद करेगा, दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, PYQs। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई सॉल्विंग PYQs इज सुपर इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ना क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, छोटा सा वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको अपने नीट के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। बायोलॉजी प्रिपरेशंस विद PYQs हर चैप्टर के आपको मिलेंगे, प्लस मोटिवेशन एंड अदर गाइडेंस वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाई यू शुड सॉल्व PYQs फॉर प्रिपेयरिंग नीट एग्जाम्स, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप ज्यादा से ज्यादा PYQs सॉल्व करेंगे, देन यू विल बी फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स। कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने टफ वो क्वेश्चन होते हैं, इन सब का अंदाजा आपको लग जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि 30% ऑफ द सिलेबस ही 75% मार्क्स कवर करता है। ओके, जो 75% क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज फ्रॉम द 30% ऑफ योर सिलेबस। तो कौन सा हाई वेटेज एरिया है और जिसको आपको ज्यादा बार रिवाइज करना है, और कौन से एरिया को आप कम बार रिवाइज करेंगे, ये भी आपको पता चलेगा इफ यू आर सॉल्विंग मोर एंड मोर PYQs। सेम क्वेश्चंस आर रिपीटेड। सबसे अच्छी बात PYQs सॉल्व करने की ये है कि जो सेम क्वेश्चन है, कभी कभी वही क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और सेम क्वेश्चन आपको इस साल भी दे दिया जाएगा। सो 4-5 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको मिलेंगे, जो सीधे PYQs उठा के दे दिए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोनस पॉइंट हो जाएगा कि वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? नेक्स्ट, इट विल हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट रिवीजन करते समय, क्योंकि आपको हाई वेटेज एंड लो वेटेज चैप्टर्स का पता चल गया, तो जो चैप्टर्स में वेटेज ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा 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 बार पढ़ेंगे, 30 बार रिवाइज करेंगे, और जिस चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप एटलीस्ट 10 टाइम रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी टाइम मैनेज करके विद इन द गिवन टाइम आप अपने सिलेबस को इफेक्टिवली स्मार्टली प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड द लास्ट एंड द मोर इम्पॉर्टेंट इज, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी इन द एग्जाम्स। क्योंकि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा PYQs सॉल्व करेंगे तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने टफ आते हैं, किस पैटर्न के आते हैं, और उससे आप बहुत ही स्पीड से विद इन द गिवन टाइम आप एग्जाम्स के दिन भी पेपर को हाई एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सो टू practice more and more previous year's questions, stay tuned.